Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, alhamdulillah. जी बताइए भाई, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सीजन को एंजॉय कर रहे हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं, विंटर सीजन चल रहा है या फिर समर सीजन चल रहा है या फिर ऑटम या स्प्रिंग, आप अकॉर्डिंग टू सीजन अपने वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो जनाब हम भी यही काम कर रहे हैं। हाँ भाई, मज़ा आ गया है क्योंकि हमने पढ़ा है अपना चैप्टर नंबर 11 सीजन्स के बारे में। हमें मज़ा पता चला है कि कितने सीजन्स होते हैं, सीजन को कैसे इंजॉय किया जाता है, किस सीज़न की क्या स्पेशलिटी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, क्या चीज़ें खाई जाती हैं, बहुत मज़ा आता है ना भाई। तो जनाब ये काम तो हो गया है, लेकिन साथ साथ अभी इस चैप्टर के डिफरेंट एक्टिविटीज़ रह गई हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हो गई रह गई हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो जनाब कंप्लीट करते हैं साथ में। लेट्स ओपन अवर बुक पेज नंबर 71। जी जनाब, 71 पे हमारे पास मौजूद है प्रैक्टिस की एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज हमारे पास रह गई है जो हमें आज कंप्लीट करनी है। देखते हैं भाई कि आज इसमें क्या मौजूद है। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, हमने पहले पढ़ना है इन सेंटेंसेस को और इसमें कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, इनको कंप्लीट करना है। जी जनाब कंप्लीट करते हैं मिलके, पहले देखते हैं कि भाई सेंटेंसेस क्या हैं। न्यू लीव्स ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम इन डैश। जी जनाब, न्यू लीव्स ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम इन डैश, सीजन की बात हो रही है कि कौन सा सीज़न है, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा सीज़न है कि जब नए लीव्स ग्रो करते हैं, नए लीव्स निकलते हैं पौधों में, नए नए लीव्स आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं और फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स फूल खिलते हैं, कौन सा सीज़न होता है वो। स्प्रिंग सीजन, वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे न्यू लीव्स ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। सेकेंड है हमारे पास मॉर्निंग्स एंड नाइट्स आर चिली इन डैश। मॉर्निंग्स एंड नाइट्स आर चिली इन डैश, यानी कि बहुत अच्छा चिल सा मौसम होता है, ठंडा ठंडा सा हल्का सा मौसम होता है जिसमें नाइट्स आपकी और आपकी मॉर्निंग जो होती है वो चिल होती है। कौन सा मौसम होता है भाई, कौन सा वेदर होता है वो, कौन सा सीज़न होता है वो, जल्दी से बताइए, सोचे सोचे सोचे। ऑटम नहीं, ऑटम, ऑटम, यस ऑटम सीजन, वेरी गुड। ऑटम सीजन में हमारी जो नाइट्स होती हैं और जो मॉर्निंग्स होती हैं बहुत चिल होती हैं। मॉर्निंग्स एंड नाइट्स आर चिल इन ऑटम, वेरी गुड। पीपल लव टू ईट सूप एंड ड्रिंक टी इन डैश, कौन से सीजन में लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं कि वो सूप पिए, चाय पिए, कौन सा सीज़न होता है गर्मियों में, समर सीज़न में? नहीं भाई, उसमें तो आइसक्रीम्स खाने को दिल चाहता है, शेक्स पीने को दिल चाहता है, जूसेस पीने को दिल चाहता है, पानी पीने को दिल चाहता है और सूप पीने को, टी चाय पीने को ज़्यादा से ज़्यादा दिल कब चाहता है? विंटर सीजन में, वेरी गुड। विंटर सीजन, पीपल लव टू ईट सूप एंड ड्रिंक टी इन विंटर, वेरी गुड। द सन इज वेरी हॉट इन डैश, द सन इज वेरी हॉट इन डैश, कौन से मौसम में, कौन से सीजन में सन जो होता है बहुत हॉट होता है? समर, वेरी गुड जनाब, वेरी गुड। चलिए जी, हमारे पास आती है एक्सप्लोर की एक्टिविटी, उसमें देखते हैं टुडेज वेदर क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। द टीचर विल रीड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर द वेदर प्रेडिक्शन फॉर टुडे एंड विल आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व इफ द वेदर आउटसाइड मैचेस द प्रेडिक्शन एंड डिस्क्राइब व्हाट डिड दे ऑब्जर्व अबाउट द वेदर। जी जनाब, आपने क्या करना है, आपके पास आते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आते हैं आपके पास, अखबार आते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, अपने अपने टैब्स मौजूद हैं आपके पास। आपने क्या करना है, वहाँ पे सर्च करना है, गूगल करना है, आप टुडेज़ वेदर डालेंगे भाई, टुडेज़ वेदर फोरकास्ट डालेंगे ताकि आपको ये पता चले कि भाई आज के वेदर की प्रेडिक्शन क्या है, क्या बताया जा रहा है उसमें, क्या चीज़ प्रेडिक्ट की जा रही है कि आज का मौसम क्या होगा, क्या बहुत सर्द मौसम होगा, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर आपका डाउन होगा,
सर्दी बहुत होगी या बहुत ही हॉट वेदर है होगा आज का, आपका जो है सन बहुत तेज निकला होगा, अब या फिर क्लाउडी वेदर होगा या फिर विंडी वेदर होगा, बहुत हवाएं चल रही होंगी, कैसा सीजन होगा आज का, कैसा वेदर होगा आज का आपका, क्योंकि ये प्रेडिक्शन पहले कर दी जाती है हमारे जो वेदर फोरकास्ट होती है, वेदर फोरकास्ट में जब हमारा डिपार्टमेंट मौजूद होता है वो ये फोरकास्ट कर देता है, ये प्रेडिक्शन करता है, और ये सारी प्रेडिक्शन जो होती है वो हमारे न्यूज़पेपर्स में आ रही होती है। न्यूज़पेपर के अलावा हम इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि भाई अगर हमें कुछ अपनी पिकनिक्स प्लान करनी है, कोई ट्रिप प्लान करना है, कोई हमारे प्लान्स हैं, किसी किसी की कोई पार्टी अरेंज करनी है, तो हम ये जान सकते हैं कि भाई आने वाले दिनों में जो है मौसम कैसा होगा। उसके लिए हमारे पास प्रेडिक्शन होती है, हमारे पास फोरकास्ट होती है जिसे हम देखते हैं। आपने क्या करना है कि आज आप क्या करेंगे, अपनी गूगल से सर्च करेंगे प्रेडिक्शन को कि आज भाई आज की वेदर प्रेडिक्शन क्या थी, और उसके बाद मैच करेंगे कि आज जो आप दिन गुजार रहे हैं उसमें वो प्रेडिक्शन कितनी मैच कर रही, कितनी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, कि भाई जो फोरकास्ट हुई है, जो प्रेडिक्शन हुई है आज के मौसम के बारे में, यानी कि हमारे जो मैं आज मैंने सुबह देखा, मैंने जब गूगल किया कि टुडेज़ वेदर प्रेडिक्शन, तो उसमें मैंने देखा कि आज हमारा जो है कोल्ड वेव्स होंगी, यहाँ पे सर्दी होगी क्योंकि चल रहा है विंटर सीज़न। उसमें लिखा था कि आज जो है कोल्ड वेव्स होंगी आपके पास, टेम्परेचर आपका 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और आपको सर्दी महसूस होगी, सन आपका जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्लाउडी वेदर होगा। और उस लिहाज से आज मैंने जब अपने दिन को ऑब्जर्व किया तो काफ़ी हद तक 80% मैंने देखा कि बिल्कुल सही प्रेडिक्शन थी, यानी कि आज विंटर सीज़न के हवाले से, आज विंटर सीज़न में सुबह से ही बहुत ही कोल्ड वेव चल रही है, बहुत सर्दी हो रही है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो 8-9-10 के दरमियान भी वेरी कर रहा है, यानी कि उसी प्रेडिक्शन के अराउंड जो है इसकी हमारा टेम्परेचर जा रहा है, और काफ़ी हद तक जो है क्लाउडी वेदर है आज का, बहुत ज़्यादा बादल हैं हमारे, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। जो हमने प्रेडिक्शन देखी थी, जो मैंने गूगल किया था कल कि आज की प्रेडिक्शन में क्या वेदर फोरकास्ट है, तो वो काफ़ी हद तक मैच करी है मेरे आज के वेदर से। आपने क्या करना है, आपने मम्मा बाबा के साथ बैठना है, गूगल पे सर्च करना है, आप सर्च कीजिए कि भाई वेदर प्रेडिक्शन कैसे देखी जाती है, आपके पास आ जाएगी। आप टाइम भी देख सकते हैं, उसमें टाइम के साथ साथ भी प्रेडिक्शन दी जाती है कि भाई मॉर्निंग में क्या वेदर होगा, दोपहर में, आफ्टरनून में क्या होगा, इवनिंग में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, आप उसी तरह से जब अपने प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से वेदर फोरकास्ट देखी जाती है, मम्मा बाबा के साथ बैठिएगा, वेदर फोरकास्ट को देखिएगा, अपने इस दिन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि भाई जो प्रेडिक्शन हुई है उसके लिहाज से आज का दिन कैसा चल रहा है, क्या सही है या नहीं है, 80% है, 100% वही बात है या नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बैठे उनको भी बताइए कि हम किस तरह से अपने नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन देख सकते हैं, वेदर फोरकास्ट को कैसे जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने टीचर को भी वॉइस नोट भेजिएगा और बताइएगा कि हमने वेदर प्रेडिक्शन में किस तरह से ऑब्जर्व किया है वेदर को। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।